पुष्ट दे मामे जमान अलैहिस्सलाम पर बाबा से बलंद सलावत। तो उसने हम मखलूकात को जो अशरफ मखलूकात कहलाते हैं
सबसे बड़ी मखलूक कहलाते हैं, इनको बगैर हदफ की खल किया हो, बगैर मकसद की खल किया हो। जो मजीद मुश्किल हमारे लिए बनती है वो ये कि एक वो हदफ होगा जो पूरी इंसानियत का हदफ होगा। कि मसलन इस वक्त अगर जमीन के ऊपर 7 अरब इंसान हैं, ये 7 अरब इंसान क्यों हैं, इनका कोई हदफ होगा। लेकिन जिससे मुझे ज्यादा सरोकार है वो ये है कि मेरा हदफ क्या हो। 7 अरब इंसान को कोई हदफ होगा, वो 7 अरब इंसान वो हदफ हासिल करे या ना करे। जितने भी अहले बैत के चाहने वाले इस सरजमीन के ऊपर रह रहे हैं, इनका भी कोई हदफ होगा। तो मुझे और आपको दो तरह से देखना पड़ता है। एक तो ये देखना होता है कि खुदा मुख्तार ने जिस माशरे में मुझे भेजा है यहाँ क्यों भेजा है, इसका हदफ क्या है, क्या मकसद है कि यहाँ पर खुदा मुख्तार ने अपने दीन की आवाज को यहाँ तक पहुंचाया, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। दूसरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि खुद मुझे जाती तौर पर क्या हासिल करना है। इसके पीछे दुनिया के मसाइल भी है कि जब मैं दुनिया में रहूंगा तो इसके तकाजे होंगे, इसकी तमाम जरूरतों को मुझे पूरा करना पड़ेगा, तो ये तीसरा हदफ बन जाता है। बस एक हदफ पूरे माशरे का बनता है, एक हदफ मेरे और आपका दीन के हवाले से बनता है, एक हदफ मेरे और आपका अपनी जाती जिंदगी के हवाले से बनता है। इन सब को जमा करने के लिए खुदा ने 3 फॉर्मूले नहीं दिए। खुदा ने यह नहीं कहा कि मैं नाउजुबिल्ला दीन को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं, नाउजुबिल्ला 3 दीन तुम्हें देता हूं, एक दीन तुम्हारी दुनिया के काम आएगा, एक दीन तुम्हारी आखरत के काम आएगा, एक दीन तुम्हारी माशरे के काम आएगा। खुदा मुख्तार ने इन सबको मिलाकर एक ही दीन दिया। मेरा अपने ख्याल है कि हमारी बहुत बड़ी जरूरत बनती है कि हम इसको समझें कि खुदा का दीन सारे के सारे कामों को पूरा कैसे करेगा। और इसको समझने की खातिर पहली मजलिस के उन्वान से मैं इंसान की जिंदगी के हदफ के ऊपर कुछ देर बात करूंगा आपके सामने, और इसके अंदर कुछ और मौजूदात को भी शामिल करेंगे। इससे पहले कि ये सारे काम करें, एक दो नुकात बयान करूंगा कि हमारा तरीक़ेकार क्या है। ज़ाहिर है ये अशरे मजालिस है, इसमें चंद दिन मजलिस होनी है, मैं पहले दिन कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा और इंशाअल्लाह इन चंद दिनों के अंदर उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के एहतराम में दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ذاتی طور پر جو کچھ ہمارا انداز ہے اس کے حوالے سے چند نکات پہلے عرض کر دیتا ہوں۔ جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ اس سعادت دیتا ہے کہ آپ کے شہر میں اور بلکہ اس ملک میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا ہے اور یہاں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ جو چند نکات عرض کرتا ہوں وہ چند نکات آپ کی خدمت میں تیزی سے بیان کروں گا تاکہ آپ کا وقت کم لگے اور ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کو پورا کر سکیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو معمولاً طریقہ کار ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا، اس میں کچھ نہ کچھ خطابت شامل ہوتی ہے اور لوگوں کا زور بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کچھ خطابت کی جائے۔ ہم نے پہلے دن سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اچھی مجلس جو اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کے مین کمپوننٹس کون کون سے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو مجلس اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خطابت اچھی ہو، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اور یہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ اللہ کے نبی کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب پہلی دفعہ مدینے کے اندر اناؤنسمنٹ کروایا، اعلان کروایا، تو انہوں نے اعلان کرنے والے کی زبان نہیں دیکھی کہ اس کی زبان کیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کرنے والے کا حال حلیہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی اپیئرنس کیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس اعلان کرنے والے کے اندر
उसकी नस्ल भी नहीं देखी किस कबीले का है, अरब में उस कबीले की रिस्पेक्ट है या रिस्पेक्ट नहीं है, अल्लाह के नबी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अल्लाह के नबी ने पहली मस्जिद बनाई अनाउंसमेंट करने के लिए, हजरत बिलाल हबशी को दावत दी कि आप जाकर अजान दें। अनाउंसमेंट के अंदर इल्म की कोई बात नहीं होनी थी, अनाउंसमेंट के अंदर कोई बात और नसीहत भी नहीं होनी थी। ये कहना था कि अल्लाह एक है, नबी उसके रसूल है, अमीर मोमिनीन उनकी विलायत है, अमल की तरफ दावत देनी थी, ये सारे काम होने थे। इसके अंदर भी अल्लाह के रसूल ने तक्वा को देख लिया, इल्म को देख लिया, और आवाज नहीं देखी, खानदान नहीं देखा और कुछ नहीं देखा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर हमें अच्छी मजलिस करनी है तो उसके लिए खिताबत होना जरूरी नहीं है। जो चीज उसके लिए चाहिए है वो ये कि आप भी खुलूस से काम करें, हम भी खुलूस से काम करें, आप भी अल्लाह की खातिर करें, हम भी अल्लाह की खातिर करें, आप भी कुछ सीखने के लिए आए, हम भी आपको सिखाने के लिए बैठे, आप भी दीन सीखने आए, हम भी दीन सिखाने की कोशिश करें। अगर बीच में खिताबत आ जाए तो हराम नहीं है, लेकिन खिताबत पर ये सब कुछ कुर्बान करना ये हमारे ख्याल में हराम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस खातिर हमने सोचा कि हम खिताबत ना किया करें। जो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करें, उन पॉइंट्स को लेकर सादा जबान में लोगों के सामने बयान कर दें, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह वो भी और अहले बैत से नजदीक होंगे और हम भी चंद कदम अहले बैत से और ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। दुरूद भेजेगा मुहम्मद आले मोहम्मद। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर हमने इसरार किया वो ये था कि हमारा ताल्लुक कराची से है, इसकी मिसाल भी देता चल। तो हमने हिसाब लगाया कि कराची जैसे शहर में हर साल लाखों मजलिसें होती हैं, लाखों मजलिसें, और इन लाखों मजलिसों के बावजूद अगर हम लोगों से पूछें कि आया लोगों की जिंदगी अखलाकी एतबार से बेहतर हो रही है या बुरी हो रही है, मसलन पूछने में क्या बुराई है, आप जवाब नहीं दीजिएगा लेकिन आप सिर्फ सोच लीजिएगा। मसलन मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ इनके दिलों की मोहब्बतें बढ़ रही हैं या नाउज़ुबिल्लाह ताला दिलों की मोहब्बतों में कोई कमी आ रही है, आप खुद अपने तौर पर सोचिए। मसलन हमें सोचना पड़ता है कि लोगों के अंदर अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान, पीस ऑफ माइंड जिसको हम लोग कहते हैं, दिल का सुकून बढ़ रहा है लोगों के अंदर या दिल का सुकून कम हो रहा है। तो अगर माशरे में मोहब्बत बढ़ रही हो, माशरे में लोगों का पीस ऑफ माइंड बढ़ रहा हो तो ये अच्छी निशानी है, ये बहुत अच्छी चीज है। खुदा ना करे अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ये पीस ऑफ माइंड नहीं बढ़ रहा, दिलों की मोहब्बतें नहीं बढ़ रही, तो जितना भी सारा काम कर रहे हैं उसके बारे में शक करना पड़ेगा कि इसमें क्या खराबी हो रही है जो ये हमें अचीव नहीं हो रहा है। अगर हम दीन पर अमल करें, दीन को सुने और सीखें और दीन हमें दौलत ना दे तो ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मैं दीन पर अमल करूं, दीन को सीखूं सिखाऊं और दीन मुझे शोहरत ना दे, पॉपुलैरिटी ना दे, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दीन ने इसका प्रॉमिस भी नहीं किया। लेकिन मैं दीन सीखूं सिखाऊं और लोगों की जिंदगी में सुकून फिर भी ना आए, इसका खुदा ने वादा किया था। उसने कहा था कि आपने मस्जिद के अंदर दीवार में भी लिखा हुआ है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, आगाह रहोगे दिलों को इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद से होता है। तो अगर मैं अल्लाह की याद करे जाऊं और मेरे दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई मुश्किल हो गई है। या मसलन मैं दीन के नाम पे सारे काम कर रहा हूं
लेकिन मेरे दिल के अंदर दूसरों के लिए जो मोहब्बत आनी चाहिए वो माशरे में नजर नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि कोई काम कम हो रहा है। तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरा यहाँ पे एक दिन भी पूरा नहीं गुजरा अभी। आप यहाँ पे रहते हैं, आपको जान पता होगा, लेकिन ये मुझे मालूम है कि मेरे शहर के अंदर जहां से मैं आ रहा हूं वहां पे लोगों का दिल का सुकून कम हो रहा है, वहां दूसरों से मोहब्बतें कम हो रही, वहां लोगों के ताल्लुकात बिगड़े चले जा रहे हैं, वहां पर बच्चे और बच्चियों की शादियां ज्यादा तलाक के ऊपर हो रही हैं। इस सब को देखते हुए मुझे एक बात समझ में आती है, ये कि जो दीन हम दे रहे हैं जिस तरह से हम दे रहे हैं इसमें कोई कमी रह गई है। अगर सब सही होता तो इसको अच्छा हो जाना चाहिए था, इसको खराब नहीं होना चाहिए था। अब क्या कमी रह गई है, अब इसके ऊपर हमने जायजा लेने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर है तालिब इल्म लोग। पहले एक मिसाल और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, गुरु भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो आदमी जिस फील्ड का माहिर होता है किसी और जगह पे जाता है तो अपनी फील्ड की रेलिवेंस में चीजों को ढूंढता है। तो मसला अगर आप लकड़ी के काम के माहिर हैं, आप किसी जगह पे जाएंगे तो वहां पे आप लोहा नहीं देखेंगे, आप पहले देखेंगे लकड़ी कौन सी, यहाँ कहाँ से लाई गई है, कैसी इस्तेमाल हुई है। अगर आपका लोहे का काम है तो आप लोहा पहले देखेंगे, अगर आपका मेडिसिन का काम है, दवाइयों का काम है, तो आप देखेंगे इस इलाके में दवाई कौन सी इस्तेमाल हो रही है। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई दीन का तालिबे इल्म हो वो किसी मोहल्ले में जाए तो उसे क्या देखना चाहिए। ये मेडिसिन नहीं बेचता, ये लोहा नहीं बेचता, लकड़ी नहीं बेचता है, ये क्या करता है, ये आकर देखता है। इसको देखना चाहिए यहाँ पे लोगों का दीन कहाँ पहुंचा है, लोगों का दीन अच्छी जगह पर है या नाउज बिल्ला ताला इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। डॉक्टर को भी ऐसे होना चाहिए, अगर डॉक्टर किसी नए इलाके में जाए तो उसको फौरन देखना होता है कि यहाँ कौन कौन सी बीमारियां फैल गई हैं, किस वजह से लोग अच्छे हैं, अगर अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बाकी लोग क्यों अच्छे नहीं है, और अगर खुदा ना करे कोई बीमारी है तो यहाँ पे बीमारी क्यों फैल गई है। तो हम तालिब इल्म होने के नाते दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं हम इस तरह से लोगों के दीन को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर दिलों के अंदर इत्मीनान है इसका मतलब है इनका दीन सही चल रहा है, अगर लोगों के दरमियान मोहब्बत बढ़ रही है इसका मतलब है दीन सही चल रहा है, अगर बड़े छोटे का एहतराम कर रहे हैं इसका मतलब है दीन सही चल रहा है, अगर ये सब नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई मामला हो गया है। तो हमने जब इसके ऊपर गौर किया कि क्या मामला होता है तो फिर हमने दो तीन चीजें समझ में आई। हमें जो एक बार समझ में आई कई पॉइंट्स में से वो ये थी कि हमारी जो मजलिसें होती हैं उनमें इल्म की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, अमल की बातें कम होती हैं। तो लोग जान रहे हैं, इल्म लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो हमने दूसरा पॉइंट ये बनाया कि हम जहां भी मजलिस पढ़ेंगे वहां इल्म की बातें भी करेंगे और लोगों को अमल की तरफ भी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये हो गया कि खिताबत हमारा ऑब्जेक्टिव टारगेट नहीं है, खिताबत करेंगे भी नहीं, सलीस जबान में बयान करेंगे। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि इल्म की बात करेंगे और इल्म की तरफ लाने की कोशिश करेंगे लेकिन अमल के साथ होना चाहिए, अमल के ऊपर इसरार करेंगे और आपसे चाहेंगे कि जब आप चंद दिन यहाँ पे मजलिस में आए और आप चंद दिन से पहले और बाद का एक दूसरे का कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, तो आपको कोई बात समझ में आए कि हाँ अमल की भी यहाँ पे कुछ बातें हुई हैं, फिर आप करें ना करें वो आपके हाथ में होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से इस काम को अंजाम दे देंगे। एक पॉइंट और अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी बात यह है कि हमेशा कोशिश ये करेंगे कि हमने आप ही को यहाँ पे बातें कहनी है। बार बार जो हमारे दोस्त अहबाब बोलने वाले होते हैं ये पॉइंट पाकिस्तान में बहुत वैलिड होता है, यहाँ पे शायद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन चूंकि आदत पड़ गई तो ज्यादा उसको बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में
बहुत ज्यादा लोग जो मजलिसें पढ़ते हैं वो दूसरे फिरकों को सुनाते रहते हैं, जिन फिरकों को वो सुना रहे होते हैं वो मजलिस में होते नहीं, और जो यहाँ बैठे होते हैं उनको सुनाने के लिए बातें कम करते हैं। तो हमने अपने लिए ध्यान में रखा कि वो जिनको सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं सुनते उनको हम नहीं सुनाएंगे, जो यहाँ बैठे हुए उन्हीं के लिए बात करेंगे, दूसरों पे तंज नहीं करेंगे, बल्कि जो यहाँ पे अहले बैत के चाहने वाले बैठे हैं पहले से मुतअक्किद हैं, इनके इल्म के अंदर, इनके तक्वा में, इनकी अहले बैत अर्थात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। इन तीन पॉइंट्स के साथ शुरू करते हैं और मैं अपनी बात की तरफ वापस आऊंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक पॉइंट एडिशनल इजाफा करूं, आपसे दरख्वास्त नहीं करूंगा कि आप अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी भी गाँव, कल के लिए दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके लिए मुमकिन है तो पहले आगे आ जाइएगा, क्योंकि आप जब इतना दूर बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है जैसे मैं कोई ऐसा काम करने वाला हूँ जिससे आपको डर लग रहा है और आप बहुत दूर दूर जाके बैठ गए। तो अभी तो आप यहीं बैठे रहें जहाँ बैठे हैं, वरना आपको जहमत होगी, कल के लिए जब आप तशरीफ लाएं तो पहले इस जगह को भर लीजिएगा। हमारा सरोकार आपसे ज्यादा होना चाहिए, अभी सारे फरिश्ते यहाँ बेचारे बैठे हुए होंगे, तो अब इन फरिश्तों को मैं सुना के क्या करूंगा, आप आगे तशरीफ ले आइएगा, फरिश्ते पीछे बैठ जाएंगे, वो वहीं से भी सुन लेंगे और आप आगे आ जाइएगा, इसका हमें फायदा होगा। एक बार फिर दुरूद दे दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम बात करेंगे इस बात पे कि खुदा ने हमसे क्या चाहा। बहुत सारे काम हम लोग जिंदगी में इसलिए करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हैं। अगर कोई इंसान यहाँ पर है तो उसने खाना खाना है, खाना नहीं खाएगा चंद दिनों में मर जाएगा। तो क्या खाना खाना इंसान का हदफ है? अल्लाह ने खाना खाने के लिए भेजा है तो हम कहते नहीं, हदफ कुछ और होता है, तकाजा कुछ और होता है, ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, डिमांड और रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। खाना खाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, खाना खाना सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर रहना है तो खाना भी खाना है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं है। ऑब्जेक्टिव में एक और बात जो हदफ है उसमें इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैं भी जिंदा हूँ, आप भी जिंदा हैं, और इसी जमीन के ऊपर बिलियंस की तादाद में जानवर भी रह रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो जानवरों के साथ हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। खुदा ने जानवरों को किसी और काम के लिए पैदा किया, हमें किसी और काम के लिए पैदा किया। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव वही बन गया जो जानवरों का ऑब्जेक्टिव है तो फिर हमें फजीलत किस बात की है, हमें सुपीरियरिटी क्यों दी खुदा ने? इसका मतलब यह कि हमारा ऑब्जेक्टिव उनसे डिफरेंट होना चाहिए। खाना खाना हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, इसका मतलब है ये हदफ नहीं हो सकता, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर रहेंगे तो खाना खाना पड़ेगा। अगर मैं आराम करता हूं, दिन में चंद घंटे सोता हूं, ये सोना क्या मेरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है? मैं कहता हूं नहीं, ये भी है मेरा ऑब्जेक्टिव, हदफ नहीं बन सकता, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा मेरा जिस्म थकेगा, मुझे सोना पड़ेगा, ये भी रिक्वायरमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो मेरी फैमिली होती है और फैमिली में बच्चे होते हैं, मुझे बच्चे पालने होते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं जिंदगी में, क्या ये बच्चे होना, फैमिली होना, इसे पालना, ये ऑब्जेक्टिव है? तो मैं कहूँगा नहीं, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं, ये रिक्वायरमेंट है। अगर इंसान की नस्ल आगे बढ़नी है तो उसको इस तरीके से बढ़ना है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ये जो तीनों बातें मैंने आपसे कही, ये तीनों बातें जानवरों के अंदर भी हैं, वो भी खाएंगे, वो भी रेस्ट करेंगे, उनकी भी नस्लें आगे बढ़ेंगी, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ नहीं हो सकता, आदत का नहीं हो सकता। फिर एक और मसला है हमारे साथ ये कि हम ये तो सबके अंदर है, लेकिन हम में से कुछ लोगों के पास ताकत होती है, कुछ लोग कमजोर होते हैं। क्या ताकतवर बनना एक आदमी 10 आदमियों पे हुकूमत करता है, एक आदमी 100 आदमियों पे हुकूमत करता है, एक पूरे कुल पे हुकूमत करता है, एक पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब देखता है, क्या ज्यादा ताकत होना हदफ है?
मैं कहूंगा ये भी अदब नहीं है दो वजह से। एक तो ये कि ये जितना भी दुनिया का मामला है ये मरने के ऊपर खत्म हो जाएगा। मैं अगर 7 अरब इंसानों पे हुकूमत करूं, जिस दिन कब्र में जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे उससे? ऊपर में 7 अरब इंसानों पे हुकूमत कर रहा था, कब्र में जाके क्या है मैं? उस हुकूमत का यहां पर कोई असर नहीं है। और दूसरा मामला फिर वही मामला है, जानवर भी यही करते हैं, जानवर भी ग्रुप बनाते हैं, लीडर बनने के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये कि अदब नहीं हो सकता। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इसको मैं और चंद पॉइंट्स ऐड करते हुए आपकी खिदमत में इजाफा करते हुए अर्ज करूंगा। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस्तलाहात सुनी होंगी और वो जो अल्फाज होते हैं, इस्तलाहात टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये लोग यहाँ बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन कभी कम हमें मौका मिलता है कि हम उसके ऊपर गौर करें, उसकी मीनिंग्स को लेने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आपने बचपन से सुना है हर रोज बोल रहे हैं और वतन इल्ला, कोई भी लैंग्वेज में इंसान की बोलने की हो उसको नमाज में ये जुमला कहना पड़ता है, नमाज की नियत में, इबादतों की नियत में, और वतन इल्ला। इसका मतलब क्या होगा? अल्लाह के नजदीक होने के लिए। अल्लाह से नजदीक किस चीज में होना? फिजिकली हम खुदा से नजदीक नहीं हो सकते। अगर आप कहेंगे स्पिरिचुअली नजदीक होते हैं, तो फिर मैं एक और सवाल करता हूं, जो स्पिरिचुअली अल्लाह से नजदीक होता है, अपनी रूह में अल्लाह के नजदीक होता है, वो आदमी कैसा आदमी होता है? मैं अगर 40 साल अल्लाह की इबादतें करता हूं तो मुझे कैसे पता चले कि मैं अल्लाह से नजदीक हुआ हूं या अल्लाह से नजदीक नहीं हुआ? क्या चीज होती है कौन बताएगा? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे पास जमा हो जाती है। मसलन बचपन से सुनते हैं तस्किया नफ्स, नफ्स का तस्किया करना सब पे वाजिब है कि नफ्स का तस्किया करें। किसको कहते हैं तस्किया नफ्स? क्या सही करें तो तस्किया नफ्स होगा, और ये अदब भी है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जमा करें तो आज के इस टॉपिक तक हम पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तस्किया नफ्स किसे कहते हैं और बताएं इल्ला किसे कहते हैं? खुदा ने हमें खल्क क्यों किया है? और इसी पे एक आखिरी बात और इजाफा करूंगा, कामयाब इंसान किसे कहते हैं? किस बंदे को मैं कहूं कि ये इंसान कामयाब इंसान है? हम सबको बहुत सारी बातें पता है, हम सबको बताए कामयाब इंसान होने के लिए बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, बगैर बैंक बैलेंस के भी इंसान कामयाब इंसान हो सकता है। नहीं मालूम हमें तारीख के कितने ऐसे कामयाब लोग बताएं जिनके पास कुछ नहीं था, कामयाब इंसान। ये मराज-ए-इज़ाम जिनके असामी हमारे पास मौजूद है, नाम मौजूद है, इनकी पर्सनल लाइफ में इनकी मौत के बाद कुछ नहीं निकलता है और हम कह रहे हैं कामयाब इंसान। कामयाब इंसान किसे कहते हैं? और कामयाब इंसान बनने के लिए, मुझे कामयाबी लेने के लिए क्या करना होगा? जो मैंने कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं निकलता है, मैं नहीं कह रहा कि हर आदमी के पास से कुछ ना निकले, लेकिन ये मेन कंपोनेंट नहीं है। अगर ये मेन कंपोनेंट होता तो अल्लाह के तमाम अंबिया, तमाम आइम्मा, तमाम औलिया औसिया इस काम को अंजाम दे रहे होते, कुछ और कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा हमारा ज्यादा मुशक्कत क्या बनेगा, हमारी कामयाबी क्या बनेगी, तज़किया नफ्स क्या होगा, और बताने अल्लाह क्या होगा, और इन सब को हम मालूम करें तो हम उसको हदफ-ए-खिलकत ताबीर करते हैं कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं हमारा मकसद क्या होगा। फिर जब मैं अभी आपको बता सकूं तो फिर एक और क्वेश्चन आएगा जो मेरे लिए होगा, वो ये कि 9 दिन में बाकी या 8 दिन में 7 दिन में उस खिलकत के हदफ को पूरा करने के लिए मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरा अपने ख्याल है जो भी आपके सामने पढ़ने आए आपको उसकी और अपने काम की इवैल्यूएशन के अंदर जब आप देखने लगे काम कैसा है तो
आपको इवैल्यूएशन के अंदर ये जरूर देखना चाहिए कि आपकी खिलकत के हदफ में इस बंदे ने आपको क्या मदद की, आपको ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने में क्या मदद मिली है, आपको सक्सेसफुल बनाने के अंदर इस बंदे का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। फिर अपने हर एक इवैल्यूएशन होनी चाहिए ताकि आप इंशाअल्लाह और ताकत के साथ अपने आदम हकीकत में बढ़ सकें। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस काम को बताने के लिए कि इंसान की जिंदगी का हदफ क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए, और बताएं अल्लाह क्या होना चाहिए, रस्के नफ्स किसे कहते हैं, कामयाब इंसान किसे कहते हैं, और बात को मैंने कम टाइम में भी कहना है ताकि इंशाअल्लाह नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर हम इसको खत्म कर सकें। आपकी तवज्जो दिलाऊंगा अस्माए हुस्ना की तरफ, अल्लाह के 99 नाम। ये जो खुदा के नाम है ये बहुत बड़ा एक राज अपने अंदर लिए हुए। बहुत सारे लोग जब ये नाम देखते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं कि इन नामों का काम हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मसलन वो सोचते हैं कि अगर हमें किसी का डर है, किसी का डर है कि हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हम ये लफ्ज 25 दफा बोलेंगे फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये होता है, हो सकता है। मसलन कोई कहता है अगर मेरे पास रिस्क कम है, मैं अल्लाह के नामों में से फला नाम 100 दफा पढ़ूंगा सुबह को मिसाल के तौर पर, तो मेरे रिस्क का मामला खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है। किसी को किसी दुश्मन से लड़ना हो, वो कहता है मैं 100 दफा फला नाम पढ़ूंगा मेरा दुश्मन हार जाएगा। ये भी हो सकता है। कोई बीमारी का इलाज करने के लिए, कोई अपनी दौलत बढ़ाने के लिए, कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, कोई पता नहीं क्या करने के लिए, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन मैं अपने तौर पे सोचता हूँ खुदा ने 99 नाम हमें क्यों दिए, इसलिए कि हम उससे दुनिया बनाए अपनी। दुनिया बनाने के लिए अकल काफी नहीं है हमारी। तो मुझे समझ में आता है कि अल्लाह ने 99 नाम सिर्फ इस काम के लिए नहीं दिए कि हम अपनी कुछ मुश्किलात को हल करने के लिए उसके नामों का सहारा लें, बल्कि कुछ और भी समझ में आता है। और उसको समझाने के लिए एक और इस्तेला आपकी खिदमत में इजाफा करूंगा। 3-4 सवाल बढ़ा चुका हूं, एक और सवाल बढ़ाऊंगा। अल्लाह ने जब फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन पर अपना जानशीन बना रहा हूं, वो जानशीन किस चीज में बना रहा था? मैं और आप अल्लाह की जानशीन है या नहीं है? अगर मैं और आप अल्लाह की जानशीन है, किस चीज में अल्लाह की जानशीन है? हमारी जानशीनी क्या है? जब ये सारे सवाल मैं जमा करता हूं तो मुझे अस्माए हुस्ना को देखने का अंदाज कुछ और होता है, उससे मुझे मदद मिलती है। वो जवाब क्या बनेगा मेरे नजदीक, इस तरह से बनेगा, खुदा ने हमें अपनी सिफतों की नुमाइंदगी के लिए यहां पे भेजा है। वो चाहता है कि उसकी जो सिफतें हैं उस पर दुनिया में अमल करने वाले लोग पढ़ना शुरू हो जाए। मिसाल, खुदा खुद अलीम है, मुझे जाहिल बनाना चाहता है या आलिम बनाना चाहता है? खुदा का दीन जवाब देगा हम तुम्हें आलिम बनाना चाहता है। तो वो खुद खुदा अलीम है और मुझसे चाहता है कि मैं उसका जानशीन बनूं, इल्म हासिल करूं। खुदा खुद सादिक है, सच्चा है, तो मुझसे क्या चाहता है? मुझसे भी ये चाहता है कि मैं सच हूं। जितनी सिफतें उसके अंदर हैं उनमें से 3-4 को हटा दो, बाकी सारी सिफतों को वो मेरे अंदर देखना चाहता है। वो रहम करने वाला है, चाहता है मैं रहम करूं, मैं रहीम बनूं। रहीम खुदा का रहीम बंदा मुझे बनना चाहिए। वो खुद बख्शने वाला है, माफ करने वाला है, तो चाहता है मैं भी माफ करने वाला बनूं। तो जो पूरा लॉ है और रूल है वो ये कहता है कि खुदा अपनी सिफतें मेरे अंदर देखना चाहता है, अपनी सिफतें मेरे अंदर देखना चाहता है। तो जब मैं इस काम को करूंगा तो क्या होगा? फिर मैं खुदा से नजदीक हो पाऊंगा, मेरा खुदा से फासला कम नहीं होगा। खुदा कोई जिस्म नहीं है, खुदा किसी मकान में नहीं बैठा हुआ कि मैं खुदा से करीब हो जाऊंगा फिजिकली। खुदा का फिजिकली कोई डिस्टेंस नहीं होगा। तो जो मुझे कुर्ब लेना है, अल्लाह के नजदीक जाना है, किस चीज में अल्लाह के नजदीक जाना है, उसकी क्वालिटी इसके अंदर, उसकी
की सिफात के अंदर। तो मिसाल के तौर पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें कौन सा इंसान अल्लाह से सबसे करीब है, जिसके अंदर खुदा की सिफतें सबसे ज्यादा नजर आए, वो शख्स अल्लाह से सबसे ज्यादा नजदीक। बस अब खुदा की 99 सिफतें 99 नेम्स हैं। अगर किसी के अंदर 10 खुदा की नजर आती हैं और बाकी सब में 9 नजर आ रही हैं, इसका मतलब है जिसके अंदर 10 है वो खुदा के नजदीक। इसी तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। आपको उनसे पूछे हदफ खलकत क्या है, खुदा ने क्यों पैदा किया हमें यहाँ पर, खाना पीना जिंदगी गुजारना, ये तो तकाजे हदफ नहीं है। और हदफ को ऐसा होना चाहिए जो जानवरों में नहीं होता है, सिर्फ इंसानों के अंदर होता है। और हदफ को ऐसा होना चाहिए जो मेरे मरने में खत्म ना हो। तो मैं उसको जवाब दूंगा कि मेरा और तुम्हारा हदफ ये है कि हम जमीन पर रहे, अल्लाह की सिफतों के नुमाइंदे बनकर रहे। इससे हमें कुर्ब मिलेगा, इससे हम खुदा के नजदीक जाएंगे। और एक और बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि हम एक सिफत अपने अंदर लाएंगे, खुदा बहुत सारी सिफतें हमें खुद से दे देगा, खुद से देगा। वो कैसे, कुरान करीम में वादा फरमाता है, वादा करता है, कहता है मन जा आबिद हसनते फलहु अश्रम सालिहा, जो एक नेकी करेगा खुदा 10 नेकियों से उसकी जजा देगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक सिफत अल्लाह की अपने अंदर ले आऊं कोशिश करके, तो 10 सिफतें शायद खुदा मुझे खुद से दे देगा। और अल्लाह के नबी की एक रिवायत को भी इस्तेमाल करते हुए कहता हूं, मसा अगर कोई इंसान इतना कर ले कि 100% सच्चा बन जाए, 100% सच्चा, सिर्फ बोलने में सच ना हो, दिखाने की तमाम चीजों में सच हो, नियतें भी सच्ची हो, नहीं मालूम कितना इल्म खुदा खुद से दे देगा, नहीं मालूम कितनी ताकत खुदा खुद से दे देगा। क्योंकि तुमने एक सिफत बनाई, खुदा 10 तुम्हें वैसे ही दे देगा। ये खुदा का निजाम है। बस हदफ खलकत समझ में आता है मुझे, और मसलन मुझ जैसे आदमी को जिसकी उम्र गुजरती चली जा रही है, उसके ऊपर मेहनत करना होती है, तो ये है कि ऐसा ना हो मैं जिंदगी के सारे काम कर लूं और मेरा हदफ खलकत पूरा ना हो, तो जो सारे काम करूंगा सब बेकार हो जाएगा मेरे। मुझे अपनी जिंदगी के अंदर नोट करना होता है, बार बार चेक रीचेक करना होता है मुझे कि सारे काम तो मैं करता रहूंगा, वो जो अल्लाह ने मुझे टास्क दिया था वो टास्क हुआ या वो टास्क नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं यहाँ पर आया मजलिस पढ़ने के लिए, अगर मैं सारे दिन पता नहीं क्या क्या काम करता रहूं और रात को ये मजलिस ना पढ़ूं, तो क्या कोई मुझसे ये कहेगा कि मैंने अपना काम किया? जो भी कहेगा वो कहेगा ठीक है तुमने सारे दिन अच्छे काम किए, लेकिन बताओ जिस काम के लिए आए थे वो काम क्यों नहीं किया? तो जो काम जिसके लिए मैं और तुम आए थे वो दुनिया का कोई काम नहीं था, ये काम हमें सबसे करना था। जिसके लिए हम आए थे वो ये कि हम करीम खुदा के करीम नुमाइंदे बन के दिखाएं, रहीम खुदा के रहीम नुमाइंदे बन के दिखाएं, आदिल खुदा की तरह अदल करके दिखाएं, सादिक खुदा की तरह सच बोल के दिखाएं, बख्शने वाले खुदा की तरह हमें भी बख्शने की आदत हो, ये खुदा हमसे चाहता है। पहचान मुहतरम, जो हमारा और आपका टास्क है बहुत क्लियर है। इसमें शायद टर्मिनोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड हो, कोई इसको तस्के नफ्स बोलता है, कोई बोलता है अल्लाह बोलता है, कोई जाने छीने खुदा बोलता है, खलीफतुल्लाह नफ्स कहता है, लेकिन काम बहुत सादा है। जो आपको लगता है कि खुदा की सिफत है वो आपके अंदर होनी चाहिए, और जो आपको पता है ये खुदा की सिफत नहीं है वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इस काम को आप और मैं कैसे करेंगे, एक सादा सा नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा और इंशाअल्लाह कल बाकी आरएस पेश करेंगे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा कोई बंदे खुदा किसी और दीन से मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद अहले बैत का मानने वाला हुआ, तो कौम आया पढ़ने के लिए। तो हमारा भी कोई दोस्त कौम आया हुआ था पाकिस्तान से, तो उससे मिलने गया, उससे मिलने गया और उससे पूछा कि भाई तुम मुसलमान क्यों हुए, शिया क्यों हुए? उसने कहा कि मैं इमाम हुसैन से बहुत मुतासर हूँ, मुझे इमाम हुसैन की कुर्बानी ने इंस्पायर किया, मैं मुसलमान हुआ।
शिया हो गया। तो उसने कहा कि अब तुम्हारा प्लान क्या है, तुम यहां पे आके करोगे क्या? तो उसने बहुत अजीब जवाब दिया, कहने लगा कि मैं इमाम हुसैन बनने की कोशिश करूं। कहा मुमकिन नहीं है। कह रहा मुझे पता है मैं इमाम हुसैन नहीं बन सकता, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा शायद कुछ नजदीक तो चला जाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा। तो उसने कहा कि फिर एक और मसला है, अगर तुम इमाम हुसैन जैसा बनना चाहते हो तो तुम कभी इमाम हुसैन से मिले हो? कहा नहीं। कभी मिलोगे? कहा मुझे नहीं मालूम कि मैं मिल पाऊंगा। तो उसने पूछा फिर तुम उनके जैसे बनोगे कैसे? तो उसने कहा मैं एक सादा सा काम कर रहा हूँ आजकल, बंदे खुदा कर रहा था। उसने कहा मैं एक सादा सा काम कर रहा हूँ, मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ, फैसला करने लगता हूँ, जिंदगी में फैसले करने होते हैं बार बार, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ अगर मेरी जगह इमाम हुसैन होते तो क्या करते? जिस सिचुएशन में मैं हूं, जिस पोजीशन में मैं हूं, अगर मेरी जगह इमाम हुसैन होते तो क्या करते? कहने का मेरा दिमाग फौरन मुझे कहता है ऐसी सिचुएशन में, इस पोजीशन में इमाम ये करते। कहने का मैं वही करता हूं। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम है कि अगर मैंने ये किया तो मैं अपनी फिक्र के मुताबिक इमाम की शख्सियत के जैसा तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन उनके नजदीक मैं बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। आप और मैं हमेशा इस बात को समझ लें, खुदा ने 99 नाम दिए हैं, ये खुदा की क्वालिटीज हैं, उनमें से एक पसंद सच है। अगर मेरे अंदर सच है तो खुदा की क्वालिटी है, मैं खुदा के नजदीक। अगर खुदा ना करे सच नहीं है तो खुदा की क्वालिटी तो नहीं हुई ना। खुदा की क्वालिटी नहीं हुई तो आप किसकी क्वालिटी बनेगी? खुदा के अलावा सिर्फ एक है, वो शैतान है। या मेरे अंदर खुदा की क्वालिटी है या नाउज़ बिल्लाह ताला मेरे अंदर शैतान की क्वालिटी आएगी, फिर एक और काम भी कर सकते हैं ताकि हम अपनी इवैल्यूएशन कर सकें। अगर आप इसके ऊपर कभी सीरियस हुए तो इसको आप देख सकते हैं, अपने आप से सवाल कर सकते हैं मेरे अंदर किसकी क्वालिटीज ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, अल्लाह की क्वालिटीज ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है या खुदा के अलावा क्वालिटीज ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, किस पे मुझे काम करना चाहिए, किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। अजान मुहतरम ये अदब खलकत बने और ये एक दो साल में खत्म नहीं होता, मरते दम तक यह हदफ चलता रहता है। हमेशा हमें सफर करना होता है। बात लोग हमसे इस तरह पूछते हैं कि हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोजा रख लिया, हमने हज कर लिया, हमने जकात कुंफ दे दिया, अब बताओ दीन में बचा क्या है? जब कोई मुझसे ये जुमला कहता है तो मैं उससे कहता हूं इसका मतलब है तुम्हें दीन की अलग बेगी नहीं आती। दीन इन आमाल से बनता है लेकिन असल दीन तुम्हारी रूह है, उसके अंदर खुदा होना चाहिए, उसमें खुदा की सिफतें आनी चाहिए। वो मरते दम तक चलता रहता है, उसमें खत्म होने का कोई इम्कान नहीं। ये कमाल का रास्ता होता है। पहचान मुहतरम ये हमारा रास्ता है। और मैं जो आपको तरीकेकार बताया, ये जो अभी सैयदुल शुहदा के हवाले से बताया, इसमें एक और खूबी भी है। कोई मुझसे कहे मैं नजफ नहीं गया पढ़ने के लिए, मैं कुम नहीं गया पढ़ने के लिए, मैंने कभी दीनी तालीम हासिल नहीं की, मुझे अरबी भी नहीं आती, अब मैं अल्लाह के दीन में कैसे आगे बढ़ूं? तो मैं उससे कहूंगा ऐसे आगे बढ़ो, हर बार जब भी कोई काम करने लगो अपने आप से पूछो क्या खुदा मुझसे ये चाहता है, खुदा मेरे इस काम में खुश होगा? अगर तुम्हारा दिल मुतमाइन है कि हाँ खुदा इस काम के ऊपर खुश होगा तो कर लो, और अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि नहीं इस पर खुदा खुश नहीं होगा छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता खुद बखुद खुदा मेरे और आपको अपने नजदीक करेगा। और आखिरी बात और अर्ज करूं कि इबादतें अंजाम देना हमारे लिए वाजिब है, लेकिन खुदा की खातिर गुनाह छोड़ना ये इन इबादतों से बढ़कर इबादत लगती है। बस एक आदमी एक नमाज पढ़े और चार गुनाह करे तो मैं उससे कहूंगा कि बेटा चार नमाजें मत पढ़ो, एक नमाज पढ़ो लेकिन गुनाह मत करो, नमाज कम कर लो गुनाह खत्म करो। अल्लाह को ये ना कि मैं वाजिब में से भी कमी कर लूंगा, नहीं वाजिब तो पढ़नी पड़ेगी, वाजिब नहीं पड़ेगा तो खुद एक गुनाह हो जाएगा,
अगर आदमी चार मुस्ताहब नमाजें पढ़े, चार गुना भी करे, तो मैं उसको बोलूंगा एक मुस्ताहब पढ़ लो, चार गुना छोड़ दो, क्योंकि गुना करना नमाज को फायदा नहीं पहुंचाएगा, फिर नमाज भी खराब होती चली जाएगी। तो बंदगी करना है असल में। माँ खलकुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, में और आप बहुत ज्यादा दोहराते हैं, हमने जिन्नो इंसो इसलिए खल्क किया कि हमारी इबादत करें, उसका मतलब बंदगी है। इसके ऊपर कभी इंशाअल्लाह और अगर मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। हमें अल्लाह की बंदगी करनी है, और बंदगी कैसे करनी है, यही अल्लाह की सिफतों को अपने अंदर लेकर आना। जितना खुदा की सिफतों को अपने अंदर लाएंगे, खुदा उनका हमें कुर्ब देगा, जितना खुदा हमें कुर्ब देगा हमें कामयाबी मिलेगी। और हर वो चीज जिसके लिए दुनिया वाले दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, उससे बढ़कर हमें मिलेगा। दुनिया वाले दुनिया के पीछे भागते हैं हर जिस काम के लिए, उससे बढ़कर खुदा दे देगा अगर हम इस प्रोग्राम के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है, और तो ये है कि इसमें कामयाबी नाकामी दुनिया के देखने से नहीं है। जो इस रास्ते पे चलता है उसको कोई मसला नहीं है, सारी दुनिया उसका साथ दे या सारी दुनिया उसकी मुखालिफत करे, उसको इससे कोई गरज नहीं। अल्लाह खुश है, ये बंदा खुश है, सारी दुनिया चीखती रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा नुक्ता ने हमें अहले बैत का मानने वाला करार दिया। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने सारे स्टैंडर्ड्स हमें दे दिए, तो कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ करके दिखाया है, कहा नहीं है, करके दिखाया है। उस करके दिखाने पे सारी मुसीबतें उठाई, क्यों अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने सारी सख्तियां उठाई? अगर खुदा चाहता तो कोई शक्ति ना उठाते, सारा दिन हमें सिखा देते। क्यों खुदा ने चाहा कि अहले बैत सख्तियां उठाए? ताकि मेरा जैसा छोटा आदमी जब दीन के रास्ते में चले और सख्तियां आए तो मैं घबराऊं नहीं, मेरा दिल मुझे बताए कि तुम जिस इमाम के मानने वाले हो उसने तुमसे कहीं ज्यादा सख्तियां उठाई, तो ज्यादा मुसीबतों में रहे। कभी अगर फर्ज करो मुझे दुश्मन से दीन के रास्ते में चलने के लिए दुश्मन मुझे जेल में डाल दे, तो मैं अपने आप को कहूंगा कि मेरे साथ में इमाम बहुत ज्यादा लंबी मुद्दत जेलों में रहे। अगर दीन के रास्ते में चलते हुए मुझे कोई अकेला कर दे, सहराओं में ले जाए, सब को शहीद कर दे, मुझे सिर्फ एक काम सोचना पड़ेगा, मुझे कि मौला सैयदुल शहदा ने इससे भी बढ़कर होगा नहीं। अगर खुदा ना करे अल्लाह इस इम्तिहान में नहीं मालूम हमें कामयाब करेगा या नहीं करेगा, अगर दीन की खातिर इंसान को कैदी बनना पड़े, बाजारों में जाना पड़े, अकेला होना आसान काम नहीं है, अकेले बेइज्जती उठाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को इस इम्तिहान में भी डाला। और मौला चौथे सरकार तो और जंजीरों में बंधे हुए बाजारों और दरबारों में जाते थे, करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से शाम तक गए, तो हम सबको समझा दिया कि देखो मुसीबतें झेलने के लिए तैयार रहना। और जिनके नाम पर मैं और आप यहां बैठे हैं, अगर इस कायनात में कोई एक हस्ती होती जिसका हक होता कि खुदा उसे गम न दे, तो वो रसूल अल्लाह की बेटी की हस्ती। अगर ये हक होता कि कोई गम किसी को ना दे खुदा, तो सैयदा ताहिरा को खुदा को कोई गम नहीं देना चाहिए, वो अल्लाह के महबूब नबी की महबूब साहिबजादा थी। कभी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत को देखें तो अजीब सा लगता है कि वो जब तशरीफ लाती थी अल्लाह के रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाए। दीन खुदा में नहीं है कि कोई बाप अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा हो, लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, उनके हाथों को छूते थे, उनकी पेशानी का बोसा लेते थे और कहते थे कि फातिमा में से जन्नत की खुशबू आ रही। ऐसा हमें नहीं मालूम सैयदा ताहिरा का मकाम, उनकी मंजिलत क्या है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं राजों में से अल्लाह के राज है।
کے قلب مقدس کو جس نے پریشان کیا، جس نے ناراض کیا، جس نے ان کی اولاد طاہرہ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نہیں معلوم کو کس مصیبت میں، کس عذاب میں ڈالے گا، لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب، ان کی مشکلات تمام خاندان عصمت کو رلاتی رہی۔ سید الشہداء کا ایک واقعہ درج ہے، شب عاشور سید الشہداء ایک موقع پر ایک اکیلی سی جگہ کے اوپر گئے، ایک صحابی ساتھ تشریف فرما ہوئے، پوچھا مولا آپ یہاں پر کیوں آئے؟ مولا مختلف علاقوں کو دیکھ رہے تھے کربلا کے۔ صحابی نے کہا کہ مولا مجھے کربلا کے میدان میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، شب عاشور رات کی تاریکی میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سید الشہداء نے کہا تو نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، کربلا کے میدان میں مجھے لینے آئے۔ سید الشہداء بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے اس رشتے میں بندھے ہوئے تھے کہ امام الوداع کرتے تھے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی میں کہوں گا ہے بنت رسول اللہ سلام و آفر، جب آپ کے سامنے آپ کے فرزند کے گلے پر چھری چلی، سلام ہو آپ پر جس وقت آپ کے سامنے زینب کبریٰ طلعہ زینبیہ سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں، سلام ہو آپ پر جب آپ کے سامنے حسین کا لاشا پامال ہو رہا، سلام ہو آپ پر جب آپ کی اولاد طاہرہ بازاروں اور درباروں میں جاتی تھی، وسیاذ الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون۔ پروردگار آپ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ قبول فرما، پاک پروردگار آپ مجھے واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم کو، ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ محمد والے محمد کی مظلومیت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاہ محمد وآل الطاہرین۔ یا حسین۔